नमस्ते। आज के इस ई कंटेंट में हम चर्चा करेंगे छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद के खंड काव्य आंसू में संकलित कुछ हंसों की। जैसा कि हमें विदित है, आंसू खंड काव्य जयशंकर प्रसाद के असफल प्रेम के कारण उत्पन्न विरह वेदना का एक सृजन है। इसमें जयशंकर प्रसाद स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ये जो खंड काव्य हैं आंसू नामक, ये निश्चित रूप से आत्मपीड़ा, प्रेम के वियोग से उत्पन्न वेदना का ही एक साकार रूप है। और वह स्पष्ट रूप से हमें बता भी देते हैं और कहते हैं कि जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन के आंसू बनकर वह आज बरसने आई। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन के आंसू बनकर वह आज बरसने आई। मेरे क्रंदन में बजती क्या वीणा जो सुनते हो, धागों से इन आंसू के निज करुणा पट बुनते हो। जयशंकर प्रसाद इन पंक्तियों के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि ये जो आंसू काव्य हैं ये मेरे असफल प्रेम का ही एक काव्य सृजनात्मक रूप है। उस असफल प्रेम से व्यतीत होकर के ही अपने प्रियतम के वियोग में जो भाव कवि के हृदय में उत्पन्न हुए, उस हृदय को नाविक की भांति संबोधित करके अपने मनोभावों को प्रसाद ने काव्य रूप में हमारे सामने रखा है। और इन पंक्तियों में उन्होंने बताया है कि काव्य अर्थात आंसू नामक खंड काव्य की रचना का कारण और जो भी विरह वेदना रही है वह असफल प्रेम की वेदना के फलस्वरूप ही हुई है। अतः कवि कहता है कि जिस प्रकार से आकाश में बादल सघन छा जाते हैं, जब संपूर्ण आकाश के अंदर घनघोर बादल छा जाते हैं तो उनसे कुछ समय के बाद ही निरंतर वर्षा होने लग जाती है, अर्थात जल वर्षण होना प्रारंभ हो जाता है। उसी प्रकार से कवि कहता है कि मेरे चेतना रूपी आकाश में प्रिय मिलन के समय की जो प्रिय से संयोग के समय की जो मधुर स्मृतियाँ थी, वह जब मेरे चेतना रूपी आकाश में घिर कर के सघन रूप से छा जाती है तो इस वेदना की गहरी अनुभूति से मेरा हृदय भी व्यथित होने लग जाता है। अर्थात जिस प्रकार से सघन बादलों के छा जाने से वर्षा होने लग जाती है, उसी प्रकार से कवि कहता है कि मेरे चेतना रूपी आकाश में भी जब प्रियतम के मिलन की समय की मधुर स्मृतियाँ विचरण करने लग जाती हैं, छा जाती हैं, तो मेरे हृदय से, मेरे अंतर्भावों से वेदना की गहरी अनुभूतियाँ मेरे मन को व्यथित कर देती है, उत्पीड़ित कर देती है, करुणा से युक्त कर देती है। अब प्रिय के वियोग के कारण मेरे समक्ष विषम परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई है और वेदना के घनीभूत बादल आंसुओं के रूप में बरसने लग गए हैं। अर्थात कवि कहते हैं कि जैसे जैसे ही हृदय के अंदर पूर्व मिलन की मधुर स्मृतियाँ उत्पन्न होने लगती हैं, वैसे वैसे ही मन और हृदय व्यथित हो जाता है, वेदना से भर जाता है और आंसुओं के रूप में वह वेदनाएं
वह मिलन की स्मृतियाँ बाहर निकलने लग जाती है, बहने लग जाती है। दुर्दिन के आंसू बनकर वह आज बरसने आई। इस प्रकार से इस समय पूर्व मिलन की वह मधुर स्मृतियाँ मेरे हृदय के अंदर बादलों का रूप लेकर के आंसुओं के रूप में बरसने लग जाती हैं। आगे कवि कहते हैं, मेरे क्रंदन में बजती क्या वीणा, मेरे क्रंदन में बजती क्या वीणा, जो सुनते हो धागों से इन आंसू के निज करुणा पट बुनते हो। अर्थात कवि स्पष्ट रूप से कह देते हैं कि विरह व्यतीत कवि अपने प्रिय से प्रश्न करते हैं, वह स्पष्ट शब्दों में प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न करते हैं कि क्या कभी तुम मेरी करुण दशा से विचलित होते हो, क्या कभी मेरी विरह वेदना से आप भी परेशान होते हो, आप भी मेरी भांति बेचैन होते हो। तुम्हारी मिलन गाथा की स्मृति मेरे हृदय को करुणा से भर देती है। तब मेरा हृदय क्रंदन कर उठता है, नाद कर उठता है, अर्थात वेदना से व्यथित होकर के, बेचैन होकर के, पीड़ित होकर के आंसुओं के रूप में भावनाओं को बाहर निकालना प्रारंभ कर देता है। क्या कभी तुम्हें वेता भरी करुण सौरव वाली मेरी हृदय रूपी वीणा की ध्वनि सुनाई देती है? जब मेरा हृदय बेचैन हो जाता है, मन दुखी हो जाता है, विरह के वेदना से जनित जो पीड़ा है उसके कारण मन विचलित हो जाता है, तो उससे निकलने वाली जो करुण स्वर ध्वनियाँ हैं, क्या आपको वह सुनाई देती है? मेरे नेत्रों से लगातार प्रवाहित होने वाले आंसू की धारा के तार क्या तुम्हारे हृदय में करुणा का वस्त्र बुनते हैं? अर्थात जैसे जैसे मेरे नेत्रों से पूर्व मिलन की स्मृतियाँ और प्रेम की मधुर बातें याद करके हृदय व्यथित होता है और आँखों से आंसू बहने लगते हैं, तो क्या उन अश्रुओं की धाराओं के तार अर्थात उन निरंतर बहने वाले आंसुओं की धारा से क्या तुम्हारे हृदय में करुणा का वस्त्र बुनता है? अर्थात क्या तुम्हारे हृदय के अंदर करुणा उत्पन्न होती है? अर्थात आपको भी क्या मेरे उस दुर्दशा के ऊपर कुछ दया आती है? अर्थात करुण व्यथा से पीड़ित तथा इस कारण निरंतर अश्रु धारा बहाने वाले मेरे प्रति क्या तुम्हारी संवेदनाएं जागृत होती हैं? क्या मेरे प्रति आपका प्रेमी मन अपनेपन का एहसास करता है? इस प्रकार के प्रश्न कवि इन पंक्तियों के माध्यम से अपने प्रिय से करता है। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि आंसू काव्य की रचना में कवि की कोई असफल प्रेम व्यथा का ही मूल कारण के रूप में रहना उचित प्रतीत होता है। वियोग वेदना की आह से ही कवि की भावधारा आंसू के रूप में प्रवाहित होती है। इन पंक्तियों में कवि ने अमूर्त से मूर्त की समता बताने से उपमा अलंकार, पीड़ा पर आंसू का आरोप करने एवं करुणा पट में रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ये पंक्तियाँ कवि जयशंकर प्रसाद की हमें स्पष्ट रूप से ये संदेश देती है, ये संकेत बता देती है कि आखिरकार किस प्रकार से और क्यों या किस कारण से आंसू खंड काव्य की रचना हुई है। जय हिंद, जय भारत।